चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मनी एंड क्रेडिट की तरफ। और इस पूरे लेक्चर में बेसिकली हम लोग एक प्रकार से क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में क्रेडिट की डेफिनेशन के बारे में जाना था कि एक एग्रीमेंट होता है जिससे आप पैसे लेते हो इस एश्योरेंस के साथ कि फ्यूचर में आप उसको रिटर्न करोगे पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ में। क्लियर हुई बात। अब हम यहाँ पे सोर्सेज के बारे में देखेंगे कि कितने सोर्सेज होते हैं जिससे आप लोन वगैरह ले सकते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे दो सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ध्यान से देखना, आप लोगों ने बचपन में क्या अभी भी एक लेटर लिखते होगे जिसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। देखो थिंग्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर। फॉर्मल लेटर अब ज़्यादातर किसके नाम पे लिखते हैं, या तो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है या एडिटर के लिए किया, ज़्यादातर ये क्या होता है ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। क्लियर हुई बात। तो यही चीज़ किस में फॉलो हो रही है भाई साहब, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में फॉलो हो रही है। मतलब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वो सोर्स है, कुल मिला के फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वो सोर्स है जिसमें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। क्लियर हुई बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, तो पहले फॉर्मल को पढ़ लेंगे और फॉर्मल अगर आप समझ गए तो इनफॉर्मल समझ जाओगे। फॉर्मल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई साहब एक सेंट्रल अथॉरिटी है इन सारे बैंक्स को या इन सारे इंस्टीट्यूशन को जो आपको लोन प्रोवाइड दे उनको सुपरवाइज करने के लिए। और इंडिया में ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन क्या है भाई साहब, RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत एस्टेब्लिश हुआ था ऑन 1st अप्रैल 1935 को। क्लियर हुई बात। और इसका काम यह है कि बाकी सारे जो इंडिया में बैंक है उनको रेगुलेट करना है। कुल मिला के क्या करना है, बाकी जितने भी बैंक है इंडिया में उन सारे बैंक्स को रेगुलेट करना है। ये काम किसका है भाई साहब, RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हुई बात। पहली चीज, रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज RBI। क्लियर। दूसरी चीज भाई साहब, ये जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है ना, ये फिक्स्ड रेट पे आपको क्या देगा, लोन देगा। आप लोन लेते हो तो लोन लेते समय आपने एक वर्ड सुना होगा, इंटरेस्ट रेट, सुना है ना, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इनका क्या रहता है, फिक्स रहता है कि भाई साहब इतने परसेंट पे इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ऊटपटांग तरीके से आपसे लोन नहीं लिया जाएगा मैक्सिमम टाइम भाई साहब। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, SI, पढ़ा है ना SI, सिंपल इंटरेस्ट, P × R × T / 100/100। बहुत ही सिंपल मैथ, तो बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेशन। क्लियर, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है। फिर और अगर हम बात करें तो ये हमेशा याद रखना, कोलेट्रल की डिमांड करता है, यानी कोलेट्रल अगर सिंपल भाषा में बात करें, सिक्योरिटी की डिमांड करता है कि भाई साहब अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो ही आपको लोन मिलेगा। यानी आपके पास या तो प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए, या तो आपके पास कोई प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह होनी चाहिए, या तो आपके पास बॉन्ड होने चाहिए, कोई भी चीज़ जो एसेट वैल्यू रखती हो अपने साथ, या जो अपने साथ कोई वैल्यू कैरी करती हो, वो उस वैल्यू पे आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, लोन प्रोवाइड कराते हैं। कौन प्रोवाइड कराएगा, ऐसे सोर्सेस जो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रकार से रन या ओन्ड किए जाते हों। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ इसके देखो पॉजिटिव भी हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, कई बार क्या होता है लोन वेविंग देखने को मिलता है। लोन वेविंग मतलब लोन माफ हो जाना। आपने सुना होगा ना कई बार कि फलाना फलाना जगह के ऑफिसर्स ने या यूं कहो पॉलिटिशियंस ने एक अनाउंसमेंट किया कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम सारे लोगों के लोन माफ कर देंगे, एंड दैट इज द फाइनेस्ट थिंग। और इसी कारण से कई बार आपको लोन माफ वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ऑल दो ना, फॉर्मल के साथ हमेशा पॉजिटिव चीज़ें नहीं जुड़ी होंगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी जुड़ी होंगी। जैसे भाई साहब ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कोलेट्रल है। क्लियर हुई बात। सेकंड चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग या डिले करता है। क्लियर हुई बात। सबसे ज़्यादा क्या है, डिले। फिर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये एजुकेटेड क्लासेस के लिए, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये क्या है, एजुकेटेड क्लास के लिए है क्या, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर हुई है बात। ज़्यादातर मतलब गरीब आदमी इससे ज़्यादातर लोन नहीं ले पाता, या इंस्टेंट लोन इससे नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल की बात करें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की, तो भाई साहब जो आप नॉर्मली गवर्नमेंट ओन्ड या प्राइवेट बैंक्स वगैरह देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह देखते हैं, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह देखते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आ जाते है। अब इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ध्यान से देखना, कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा इसको रेगुलेट करने के लिए, ये रब कर देते हैं पहले, है ना।
देखो बैंक ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विदाउट आपको अगर लोन मिले कोई भी देश डेवलप नहीं हो सकता, तो इस वजह से ना बैंक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब अपन बात करेंगे ना इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की। किसकी बात कर रहे हैं? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कोई भी लेटर जो आप लोग लेटर लिखते हो अपने दोस्त के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, वो सब किस में आ जाते हैं? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, या इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। वही टाइप के लोन जिस सोर्स से आ रहे हैं, जैसे फ्रेंड से आपने लोन ले लिया, आपने अपने रिलेटिव से लिख दे रहे हैं, फ्रेंड्स से आपने लोन ले लिया, आपने अपने रिलेटिव से लोन ले लिया, ठीक है, सुरेश ने मुकेश से लोन ले लिया, ये सारे किस में आ जाएंगे? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आ जाते हैं। भाई साहब इसके लिए ना कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है, पहली चीज़ ना, कोई कई बार इसमें कोलेट्रल भी नहीं मांगेंगे। देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट इसका नहीं है ना, कई बार आपसे कोलेट्रल की ज़रूरत में या मे नॉट, क्लियर। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सुना है ना, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ये क्या है भाई साहब? कंपाउंड इंटरेस्ट कुल मिला के, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको कई बार देखने को मिलेगी। यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर अगली साल फिर अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, तो कुल मिला के ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी है भाई साहब, इंस्टेंट मिलता है, रात के 2 बजे मिल जाएगा, संडे को चाहिए संडे को मिल जाएगा, कैसा मिलता है? इंस्टेंट आपको लोन मिल जाता है। बुरी बात यह है कि भाई साहब ये सनसेट लॉ पे काम करता है, सनसेट लॉ। अब ये क्या है सर, ये कौन सा नया टर्म आपने इंट्रोड्यूस कर दिया? व्हाट इज सनसेट लॉ? भाई साहब सनसेट लॉ वो लॉ है जो सूरज ढलने पर ही, या इमेजिन करो आपने ये सुरेश है और मुकेश क्या है? जमींदार। मुकेश क्या है? ठीक है, लैंडर मान लो। मुकेश ने पैसे दिए किसको? सुरेश को। और मुकेश ने कह दिया भाई साहब 10 तारीख की शाम को पैसे आ जाने चाहिए सूरज ढलने से पहले, और अगर नहीं आए तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी। ये किसने कहा? मुकेश ने कहा, लेकिन सुरेश कैपेबल नहीं था, तो कागजों पे तो क्या लिखा था? सूरज ढलने के पहले, सनसेट लॉ। कुल मिला के जैसे ही ये हुआ, जैसे ही सूरज ढला, उसने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। इसमें कई बार इसमें लोन वेविंग देखने ही को नहीं मिलता, इसमें कभी लोन माफ नहीं होता है। माँ में आपकी मत, माफ, इसमें माफ नहीं होता है लोन, तो इससे लोन कभी लेना मत, क्लियर हुई बात। हाई इंटरेस्ट रेट रहता है भाई साहब, 10%, 15%, 20%, जरूरत है ना सामने वाले को, हाई इंटरेस्ट रेट रहता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग थिंग होती है सोसाइटी के लिए। अब देखो समझ में आ गया कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल भाई साहब जो गवर्नमेंट के नियम से चले, इनफॉर्मल जो गवर्नमेंट को भूल जाए अपने हिसाब से चलने वाला इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि आपको ना डेवलप होना है, आपको डेवलप होना है, तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रहता है कि भाई साहब कैसे भी करके लोगों को फॉर्मल सोर्सों की तरफ ले जाएं। क्यों? अगर इनफॉर्मल सोर्स पे रहे तो एक चीज को फेस करेंगे जिसको बोलते हैं डेट ट्रैप। ये वर्ड सुना है? जैसे इमेजिन करो ये एक व्यक्ति है, इसने लोन लिया 10,000 का, कितने का लोन लिया? 10,000 का, एट द कोई भी अमाउंट पे, और उसको रीपे करना है सपोज करो 11,000, रीपे करना है कितना? 11,000। लेकिन इसकी फसल उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई और इसकी फसल डूब गई, खेती करता था या इसका बिजनेस था छोटा मोटा, डूब गया। अब इसने क्या किया, इस 11,000 को चुकाने के लिए किसी अदर इंस्टीट्यूशन से कितने हज़ार का लोन ले लिया? सपोज करो 12,000 का, 1,000 खुद के लिए, और इस 12,000 को चुकाने के लिए उसको देने थे कितना, या चुकाना था 14,000, ठीक है। एक कर्ज को चुकाने के लिए इसने दूसरा कर्ज ले लिया, एक लोन को चुकाने के लिए इसने दूसरा लोन ले लिया, ये थी फर्स्ट सिचुएशन, ये थी सेकंड। ऐसी एक बार और कर लिया इसने थर्ड, और इस बार इसने कितने का लोन लिया भाई साहब? इमेजिन कर लो 20,000 का, फिर से सोचा यार छोटा बिजनेस करेंगे, वो भी फेल हुआ, और 20,000 का लोन चुकाना था इसको 30,000 में, इमेजिन कर ले। क्या ये कर्ज के तले दबता जा रहा है? बिल्कुल हाँ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए इंडिया में बहुत सारे लोग या बहुत सारे किसान क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यार ये गैम्बलिंग है पूरा मॉनसून का, कि अच्छा मॉनसून रहा आपकी खेती अच्छी रहेगी, अच्छा क्लाइमेट रहा आपकी खेती अच्छी रहेगी, और बाय चांस अगर कुछ लॉस हो गया तो भाई साहब यही होगा, क्या होगा? डेट ट्रैप। और डेट ट्रैप एक दुखद है यार, ये बहुत ज़्यादा दुखद है। डेट ट्रैप से क्या लीड करेगा?
सुसाइड, ठीक है ठीक है, SUI सुसाइड, ठीक है देख लेना स्पेलिंग, डर लगता है मैं ऐसी चीज़ों से, क्लियर। तो ये वाली सिचुएशन बहुत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है भाई साहब, क्लियर हुई है बात। अब अपन बात करते हैं कि रास्ते क्या हैं सर, ये वाली सिचुएशन हमने मान ली कि है, तो रास्ते क्या हैं? रास्ते ये हैं कि कैसे भी करके लोगों को ना फॉर्मल सोर्स से जोड़ो, जितने ज़्यादा लोग फॉर्मल सोर्स से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट। इसके लिए ना अगर हम कहेंगे ना तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, जिसमें पहला इनिशिएटिव था इन ईयर 2014, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द पर्टिकुलर डेट, पर शायद ये जून का महीना था, सेकेंड या 14th of June, नहीं याद नहीं आ रहा, 28 June भी हो सकता है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी अपन इसको क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ, जन धन योजना, ये योजना क्या थी, कुल मिला के इसमें ना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का टारगेट रखा गया, और यकीन नहीं करोगे मतलब मोर देन अ करोड़ न्यू अकाउंट्स ओपन किए गए। अब इससे फायदा क्या, इससे फायदा ये कि लोग ना बैंक से जाके जुड़ गए, और लोग बैंक से जुड़ गए मतलब बैंकों के कामकाज को लोग समझने लगे, कामकाज को समझ लगे, और बैंक से ये घुल मिल गए तो क्या ये बैंक की चीज़ों को समझेंगे, क्या ये मनी लेंडर या इनफॉर्मल सोर्स से हल्का सा दूर होना चालू हो जाएंगे, और जब ये हल्के से दूर हुए किससे आके जुड़ जाएंगे, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से जुड़ जाएंगे। अब इससे फायदा क्या भाई साहब, ये वाली सिचुएशन से तो बच जाएंगे, ये वाली सिचुएशन देखो यार उनकी गलती नहीं है ना यार, अगर क्लाइमेट खराब हो गया, किसी की फसल खराब हो गई, मार तो बेचारे किसानों ही पे पड़ती है ना, मतलब एक बेसिक पॉइंट से सोचो यार, आप लोग एक प्याज लेने जाते हो, प्याज या चलो आलू लेने जाते हो, आलू आप सामने वाले से लड़ जाते हो कि भाई साहब 10 के नहीं 8 के दो, हाँ या ना, सिंपल सी बात, आपने मम्मियों को देखा होगा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो लड़ जाते हैं कि 10 के नहीं 8 के लगा। लेकिन कभी भी आप लेस लेने जाते हो, वो जो 10 का पैकेट है कभी कहा कि 8 रुपये में दो, नहीं कहा ना, आज तक कहा हो तो प्लीज़ हमें बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कभी नहीं कहा ना। तो भाई साहब मार तो हमेशा किसको पड़ने वाली है, बेचारे किसानों को पड़ने वाली है, और एक प्रकार से उनके लिए ना ये बहुत शानदार स्टेप था, क्या स्टेप था, जन धन योजना, ठीक है, कुल मिला के उनको बैंकिंग स्ट्रीम से जोड़ना है, ठीक है। फिर एक और चीज़, कई बार आपने सुना होगा लोग ना बैंक जाने से बहुत डरते हैं, तो भाई साहब पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग अकाउंट खोल दो, किस में सेविंग अकाउंट खोल दो, पोस्ट ऑफिस में ही, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की इज्जत बहुत है, बहुत ज़्यादा इज्जत है भाई साहब, ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्यों, क्योंकि जब कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तब पोस्ट ऑफिस ने ना बहुत बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया। और दूसरा हमारे बॉलीवुड, बहुत सारे गाने, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, और कौन सा है जल्दी बताओ यार, बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पोस्ट ऑफिस में क्या चालू कर दिया, बैंकिंग फैसिलिटीज चालू कर दी, क्लियर हुई है बात। ऐसे कुछ स्टेप्स ना, ऐसे कुछ स्टेप्स चाहिए हैं जिससे क्या होगा, फॉर्मल सोर्स ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाएगा। और याद रखना, अपन ने वो डायग्राम याद है इसके पहले वाले लेक्चर में बनाया था, लोन से ना देखो, लोन की दो सिचुएशन है, पहली सामने वाला कर्जा ले रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को करने के लिए, जैसे शादी हो गई, घर बनाना, ऐसे कुछ काम के लिए, और दूसरी बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो अगर आप लोन ले रहे हो बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो आप तो डेवलप होगे, साथ ही साथ आपका देश भी क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर हुई है ना बात। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और एक और चीज़ याद रखना, जो डिजिटलाइजेशन रिसेंटली चल रहा है उसने ना बैंकिंग सेक्टर को एक बूस्ट प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया बैंकिंग सेक्टर को, एक बूस्ट, जिससे ये फायदा है कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बैंकिंग एक्टिविटी से जुड़ चुका है। अब अपन बात करते हैं ना SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये पहली बार कंसेप्ट ना सेवा के रूप में देखने को मिला था, एक इंस्टीट्यूशन बना था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, ये बात है 1974 के आसपास की ये बात है। इस टाइम जब ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, तो बेसिकली इसमें क्या किया गया कि लोग महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया, और इसी कंसेप्ट के साथ SHG का एक नए इनोवेटिव चीज़ है सामने, इनफॉर्मल एसोसिएशन है, मतलब कोई गवर्नमेंट का एसोसिएशन नहीं है। इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना, इमेजिन करो कुछ 15 लोग हैं जो छोटा छोटा अमाउंट कैरी करते हैं, सपोज करो ये ABC तीन की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने हैं 15 लोग हैं, ए के पास सपोज करो 10 रुपये हैं, बी के पास 15 रुपये हैं, और सी के पास 20 रुपये हैं।
ऐसे 15 लोगों ने मिलके इमेजिन करो 1000 रुपीस, या चलो इतना बहुत हो गया 500 रुपीस इकट्ठे किए। कितने रुपीस इकट्ठे किए? 500 रुपीस। और इन 15 लोगों का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसका इन लोगों ने नाम दे दिया कुछ भी नाम दे दो, ढोलक वाला, चलो ढोलक वाला, ठीक है कुछ भी नाम दे दिया, अपने नाम से जोड़ दिया, ठीक है ढोलक वाला इसका अपन ने नाम दे दिया। कितने लोग हैं ऐसे? 15 लोग हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुल मिला के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से पैसे इकट्ठा किए, मतलब एक प्रकार से बहुत सारे लोगों ने पैसे इकट्ठा करना चालू कर दिए। और एक प्रकार से जैसे वो किटी पार्टी नहीं होती है कि जिस दिन जिसकी नंबर आई उस दिन, सपोज करो ए जो व्यक्ति है इसको जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, सपोज करो 500, किसको डोनेट कर दिया? ए वाले व्यक्ति को। डोनेट नहीं कहेंगे, ए वाले व्यक्ति को इन लोगों ने 500 रुपीस दे दिए। क्लियर हुई है बात? अब जब ये 500 दिए और ए वाले से कहा कि जाके अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर लो, इसने बढ़िया से अच्छी एक सपोज करो फल फ्रूट की दुकान लगाई, ठीक है ये ठिलिया है, इस पर फल फ्रूट की इसने क्या लगाई, एक शॉप लगाई, ठीक है। और पहले ही दिन इसने इमेजिन करो 600 रुपीस कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए? 600 रुपीस कमा लिए। क्लियर हुई है बात? अब जैसे ही इसने 600 कमाए, इसने 500 सपोज करो इसको वापस करने थे 520 रुपीस, इसने 520 किसको वापस कर दिए? SHG को वापस कर दिए। और बचा हुआ 80 रुपीस क्या हो गया भाई साहब का? PROFIT। क्लियर हुई बात? मतलब ए के पास जब 10 रुपए थे उस इस चीज के कारण ए ने कितने कर लिए अपने प्रॉफिट से? 80 रुपीस कर लिए, अपनी मेहनत से कितने कर लिए? 80 रुपीस। सेम चीज अब किसने की? बी ने की। अब कितने पैसे हो गए अपने पास? 520 रुपए हो गए। अब 520 रुपए किसने लिए? बी ने लिए। और बी ने भी सपोज करो मोमोज की दुकान खोल ली। किसकी दुकान खोल ली? मोमोज की। और पहले ही दिन इसने सपोज करो 800 रुपीस कमाए। कितने कमाए? 800 रुपीस। तो क्या बी ने अपना प्रॉफिट रख लिया और बाकी सपोज करो 550 रुपीस किसको रिटर्न करना था? SHG को। कितना? अब ध्यान से देखना, SHG की पहली वैल्यू कितनी थी? 500 रुपीस। दूसरी वैल्यू कितनी हो गई? 520 रुपीस। तीसरी वैल्यू कितनी हो गई? 550 रुपीस। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, SHG की भी वैल्यू बढ़ रही है, प्लस वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? ये थे SHG के बेनिफिट्स। क्लियर? उसमें सबसे ज्यादा फेमस है लज्जित पापड़, ठीक है लज्जित पापड़, ठीक है। अब स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये ना कुछ 12-15 महिलाओं का इनिशिएटिव था और अब मतलब मिलेनियर्स हो गए यार ये, मिलेनियर्स। कैसे? इसी छोटे छोटे कंसेप्ट को लोग ने यूज किया। हाँ, ऑल दो इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ा ये है, चलो उसके पहले फंक्शनिंग देख लेते हैं। फंक्शनिंग में क्या है? पहले तो एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं ये, ठीक है। एक प्रकार से पीयर कंट्रोल है, आपस में ही दोस्त लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं और एक प्रकार से हर एक व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसकी फंक्शनिंग में आ जाएगी। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म ये था भाई साहब कि यार गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना था, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व खत्म। क्यों? आप एक चीज बताओ, अगर आपके खुद के पैसे होंगे तो आप उस पैसे को कैसे यूज करोगे? बहुत सोच समझ के। लेकिन वही पैसे अगर गवर्नमेंट के होंगे तो पैसे कैसे इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल उड़ाओगे। अब यही हुआ, जो 15 लोगों का जो ग्रुप था, इन लोगों ने सपोज करो लोन लिया 500 का, ठीक है, या सपोज करो 5000 का लोन लिया, आपस में डिवाइड किया और सारे लोग गायब। रजिस्टर किया खुद को SHG के रूप में, पैसा लिया, लोन लिया 5000 का, आपस में डिवाइड किया और सारे लोग क्या हो गए? गायब हो गए। अब आप ढूंढते रहो उनको, तो लायबिलिटी क्या होगी? दायित्व जो है कि हमने पैसे लिए हम वापस करेंगे, वो चीज़ क्या हो गई? खत्म हो गई। और जब दायित्व खत्म हो गया तो इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? देखो कैपिटलिज्म हमेशा ग्रो करेगा, USA ग्रो किया ना भाई साहब, लेकिन सोशलिज्म हमेशा मात खाएगा। क्या रशिया मात खाया? समझ रहे हो ना, सोशलिज्म हमेशा गिरेगा क्योंकि उसमें कंसेप्ट आ जाता है वेलफेयर का, और कैपिटलिज्म में कंसेप्ट आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट हमेशा ग्रो करेगा। जब तक ये था ग्रो किया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आ गई ग्रो करना बंद कर दिया। भाई साहब ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की आपको रियलिटी बता रहे कि SHG आज सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट आ गया। जिस दिन गवर्नमेंट हट गया ना, उस दिन SHG क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, हाथ ही में पकड़े हैं हम कपड़े, चलो ये रब कर देना।
बना लेना इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एस एच जी यार बहुत अच्छी चीज़ है यार, बस ये एक छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति से जब हम बात कर रहे थे तो वो एस एच जी का काम करवाते थे, मतलब लोगों को एस एच जी के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाते थे, और जब उनसे रियलिटी के बारे में पता चला तो सुन के हम भी शॉक्ड हो गए यार। पहले हम भी बहुत अच्छा समझते थे एस एच जी को, उन्होंने यही कहा कि सर बात ऐसी है कि आप उनको लोन तो दे दोगे लेकिन जब रिकवरी करने जाओगे तो सारे लोग गायब हैं, ए पता लगा मुंबई में है खोजो जाके, बी पता लगा चेन्नई में है खोजो, ढूंढते रहो बी को। अब सपोज करो 50,000 का आपने लोन उनको प्रोवाइड किया, हर व्यक्ति ने 10-10,000 खा लिए, 5 लोग थे, 10,000 लेके भाग गए, अब कहाँ तक खोजोगे उनको? आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का क्या है, घर का पता है तो वो तो घर पे है ही नहीं, वो तो कहीं और रह रहे हैं। तो यार ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी टास्क हो जाता है किसके लिए, जो मतलब लोग उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं की ना। और इससे क्रिएट होता है बैंक का एक NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कुल मिला के जो पैसा डूब जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब सपोज करो हमने पैसे दे दिया, वो पैसे वापस ही नहीं आ रहे हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग, यानी हमारे लॉसेस में काउंट होना चालू हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रामीण बैंक की, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ग्रामीण बैंक। ये बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में ना लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी से लिंक करने के लिए ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट, ये लिखा ना ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया मोहम्मद यूनुस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? मोहम्मद यूनुस ने इंट्रोड्यूस किया। देखो कंसेप्ट वही था भाई साहब, समझो लोकल लेवल पे आप छोटे से इंस्टीट्यूशन में जाने से कभी नहीं डरोगे, और जहां बड़ा भारी इंस्टीट्यूशन देखा, बहुत बहुत बारीकी समझना, बहुत बारीकी, क्यों राजा महाराजा लोग अपने एंट्रेंस को बहुत बड़ा बनाते थे ताकि आने से पहले आपके अंदर डर आ जाए। आप ऑब्जर्व करना, बड़े गेट में कुंडी खटखटाने से पहले 10 बार सोचोगे और छोटे गेट को ऐसे खट 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 बजा दो, ये ऑब्जर्व करना, जितना बड़ा गेट होगा उतना 10 बार सोचोगे, वैसी जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी घुसने में उतने बार सोचोगे। क्लियर। छोटे छोटे ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश करती है, लोगों को पहले इजी बनाया कि भाई साहब आप जाके देखो तो आसानी से लोन मिलता है। और जब ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट लोगों ने देखा, लोगों का जुड़ाव हुआ किससे, बैंक से, और एक फाइनेस्ट कंसेप्ट। अब जब इस चीज़ को इंडिया ने देखा ना, तो इंडिया ने क्या किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया भाई साहब, इंडिया ने पोस्ट ऑफिस में ही क्या बना दिए, बैंक खोल दिए। और लोग फिर से हम बताएं, चिट्ठी आती है, लोग चिट्ठियों से या पोस्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत 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 कंफर्टेबल है भाई साहब, और इस कारण से ना ये वाली चीज़ इंडिया में भी क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। अब इसलिए तो बता रहे, बांग्लादेश की बात इंडिया में क्यों कर रहे हैं, रीज़न यही है ना कि इंडिया में क्यों ये चीज़ सक्सेसफुल हुई, देखो बहुत बारीकी है, बहुत पतली लाइन है, उसको बस समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म, सो टाटा बाय बाय, सही होनारा, पैसा ध्यान रखना, ठीक है, ओके बाय।